Hey everyone, I'm back after a long time. I'm Amit. So, सबसे पहले thank you so much कि आप सभी ने मेरे channel को subscribe करके रखा है. Despite of मैं content upload नहीं कर रहा हूँ, but thank you so much to all the 730 subscribers जिन्होंने मुझे subscribe करके रखा है. Thank you so much for loving my work. So आज मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए. Again मैंने जैसे Instagram पे अपने page के ऊपर डाला था with a kitchen tool, मैं टाइम के वजह से और यूट्यूब की पॉलिसीज के वजह से कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ. थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है जैसे यूट्यूब की पॉलिसी रिजिड हो गई है. सो आज मैं अपने हैंड मिक्सर के साथ आया हूँ जो एटलीस्ट मेरे बेकिंग करियर के लिए बहुत बड़ा टूल है. सो इसको आप नॉर्मली किचन में कैसे यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं. चलिए लेट्स बिगिन. अगर यहाँ बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ये आपके लिए कितना ज़रूरी है. तो ये है मेरा हैंड मिक्सर या उसको केक मिक्सर भी बोलते हैं. सो मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में फिलहाल नहीं बोलूँगा, बट आपको एंड ऑफ द वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि आपको कौन से ब्रांड का लेना चाहिए और मेरा कौन से ब्रांड का है. ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो नहीं है, बट जस्ट एक ऑनेस्ट रिव्यू है एक हैंड मिक्सर के लिए. सो ये फिलिप्स का है 300 वॉट्स का. एक एडवाइस आप सभी को देना चाहूँगा कि अगर आप अपने बेकिंग करियर की शुरुआत कर रहे हो या आप बिगनर हो, सो आप हमेशा 300 वॉट्स का या 400 वॉट्स का, अगर आप लकी इनफ हो 400 वॉट्स का मिल रहे तो गो फॉर दैट. मेरा ये 300 वॉट्स का है और इसको लास्ट कुछ सालों से यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले मेरे को एक लोकल ब्रांड का था. सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये और मैं इसको काफ़ी रफ एंड टफ यूज़ करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट इन माई वर्ड्स. सो ये फिलिप्स का है, आप देख सकते हैं इसकी कॉर्ड की लेंथ भी बहुत बढ़िया ही है, काफ़ी लंबी कॉर्ड आती है इसकी, आप देख सकते हैं अराउंड 1 to 1.5 meters की है. सो इसमें आप कुछ इस तरीके से स्विचेस देखेंगे. ये है इजेक्ट बटन. इजेक्ट करने के लिए आपको, मतलब इजेक्ट क्या करेगा ये, अगर आप इस बटन को यू प्रेस करेंगे तो ये आपके हुक्स को निकाल देगा. और यहाँ पे है इसका ये इजेक्ट बटन. स्पीड लेवल्स हैं 1 to 5, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. और लास्ट ये टर्बो बटन है. टर्बो बटन आपका तभी प्रेस होगा जब ये आपका मशीन 1 से 5 के बटन के बीच में होगा, अनलेस एंड अंटिल ये प्रेस नहीं होगा. सो इसकी बॉडी काफ़ी लाइट वेटेड और अच्छी है, 300 वॉट्स की मोटर के साथ आता है ये. सो दिस इज अबाउट दैट, दिस वॉज अबाउट दैट सॉरी. एंड अभी आप देख सकते हैं ये बिपिंग के लिए काम आते हैं. जो भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं उन सब में यूजुअली उन लोगों ने क्रीम विप करके दिखाया है, बट मैं आपको क्रीम नहीं इसके साथ डो नीट करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक क्या चैलेंजिंग काम हो जाता है वो किचन में. तो आप देख सकते हो ये इसके दो डो, इसके दो विपिंग ब्लेड्स हैं और आप देख सकते हो इसमें बीच में कोई जॉइंट नहीं है. जो मेरा पहले वाला बीटर है उसमें बीच में जॉइंट था जो क्लीनिंग उसका बहुत हार्ड कर देता था. और इसकी ये जो लेंथ है और विड्थ है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिससे ये बहुत ज़्यादा एयर इनकॉर्पोरेट कर सकता है आपके क्रीम या किसी और चीज़ में. एग्स भी विप कर सकते हो आप इसके साथ. मैंने इसको मोस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, केक बैटर्स के लिए भी नहीं क्रीम के लिए ही यूज़ किया है. केक बैटर्स में मोस्टली मिक्सी में या विथ हैंड विस्क की बनाता हूँ. ये है इसकी डो हुक्स जिसको हम आज यूज़ करके डो बनाएंगे. मैंने इसके डो, इसके साथ डो भी 2-3 बार बनाया है, तो मैं आपको डो नीट करके दिखाऊंगा इसके साथ. ये डो हुक्स हैं. सो दिस इज ऑल द पैकेज कंटेंट्स, एक मशीन, दो विपिंग हुक्स और दो डो हुक्स प्लस सम वारंटी कार्ड और ये सब होता है. मैंने इसका रिव्यू इतना लेटली क्यों दिया है, क्योंकि मैं इसको पहले यूज करके देखना चाहता था. सो चलिए अभी हम इसके साथ डो बना के देखते हैं. सो आप देखिए ये फर्स्ट स्पीड से लेके 5th स्पीड तक कैसे चलता है. ये इसकी फर्स्ट स्पीड है, सेकेंड, थर्ड, सो बात आए टर्बो बटन की, तो मैंने इसको फर्स्ट स्पीड पे चलाया और अभी टर्बो पे चलाऊंगा तो आप नोटिस करेंगे कि उसकी स्पीड से भी ज्यादा है. सो कुछ इस तरीके से ये काम करता है. अभी हम इंजेक्ट को प्रेस करके ये हुक्स हटा के अपने डो हुक्स लगाएंगे. हुक्स को लगाना बहुत इजी है, आप देख सकते हैं ये इसको टिल्ट कर दिया है मैंने. ये जो हुक है इसके कुछ स्पेसिफिक तरीका होता है इसको डालने का. सी इसमें फाइबर वॉशर नहीं है, उस
उसके मैनुअल में ऐसा लिखा हुआ था। तो ये इस साइड जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है। तो इसमें यहाँ पे ये रिंग है, ये वाला हुक इसमें जाएगा। आप इंटरचेंज करेंगे तो वो नहीं जाएगा। व्हिपिंग ब्लेड्स का कुछ वैसा स्पेसिफिक तरीका नहीं है, बस ये इस तरीके से जाते हैं। सो अगेन मशीन इज़ रेडी टू गो। तो मैंने सिंपली आटा लिया है, उसमें मैं घी डाल रहा हूँ, शुद्ध घी है ये। और ये कोई फैंसी टम्बलर नहीं, ये हैंड ब्लेंडर के साथ टम्बलर आया था वो ही है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि इसको पहले हल्का मिक्स कर देंगे और हम इसके बाद ऊपर से धीरे धीरे करके पानी डालते जाएंगे। अंदाजन अप्रोक्सीमेट पानी डाल के आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा घुमाना है जिससे कि एक डो में आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड, इसके आवाज़ में फ़र्क, इसके आवाज़ के फ़र्क से आप पहचान गए होंगे कि आटा जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा आटा एकदम रेडी हो गया है गूंद के। ये मैंने इसको पूरा गूंद लिया। तो कभी कभी आपको क्या करना होगा कि एक मिनट मशीन स्टॉप करके बोलता हूँ, नहीं तो आवाज़ दबा देगा मेरा। तो मशीन ज़्यादा गर्म नहीं हुई है, मैंने इसको टच करके देख रहा हूँ। रही बात क्लीनिंग की, तो आप देख सकते हैं हुक्स ऑलमोस्ट क्लीन हो गए, बट उसके बाद भी आप इसको एक बार साफ़ पानी से धो देंगे तो एकदम क्लीन हो जाएंगे। ये आपका आटा फुल्की का रेडी हो गया है। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से गूंदा है। अभी इसको आपको रेस्ट देना होता है कुछ 10 मिनट के लिए। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे रख के इसके ऊपर ऑयल जो है कलना, जिसको सिंधी में बोलते हैं, तो उसके ऊपर हम ऑयल ऐसे पॉलिश करके रखेंगे तो वो रेस्ट होने के बाद प्रॉपर बन जाएगा। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर आई एम लेफ्ट विथ। मैंने अंदाजन पानी लिया था, ना मैंने बोल को ग्रीस किया था ना कुछ। आप देख सकते हैं बोल भी क्लीन है, तो क्लीनिंग का प्रॉब्लम तो कभी आएगा ही नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई फिलिप्स हैंड मिक्सर, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हो व्हिपिंग के लिए। नीडिंग मैंने आपको करके दिखाई, व्हिपिंग के लिए सेम तरीका होता है, आपको ब्लेड्स लगाने हैं सिर्फ। सो आप और कौन सा ब्रांड ऑप्ट कर सकते हो अगर आप फिलिप्स नहीं लेते हो। मॉर्फी रिचर्ड्स बहुत अच्छा ब्रांड है, आप उसको भी ले सकते हो। नेक्स्ट ब्लैक एंड डेक और कैनवुड बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बट मोस्टली मैंने जिन जिन को देखा है यूट्यूब पे, इवन ऑफलाइन भी कहीं होम मेकर्स को, सो वो लोग फिलिप्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इवन इसमें एक स्टैंड मिक्सर आता है विद ओनली, जो हैंड मिक्सर है वैसा रहता है, उसके साथ एक नीचे बोल आता है 2 लीटर्स का। सो उससे आपको क्या होता है कि एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको उसको पकड़ के रिवॉल्व नहीं, रोटेट नहीं करना होता है, वो खुद ही रोटेट होता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई फिलिप्स का हैंड मिक्सर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो किसी को हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ अपनी फेसबुक वॉल पे या कोई भी सोशल मीडिया वॉल पे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।